फ्रेंड्स, वेलकम टू आज़रा का जायका। तो आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज हम आपको सिखाएंगे मसाला आलू बिल्कुल हलवाई टेस्ट वाला बनाना, और इसको खा के आप कहेंगे वाह 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 वाह। बहुत ही जल्दी से बहुत कम सामान में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, तो आप इसको बनाइए और तारीफ लूटिए फटाफट से। चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट शेयर करते हैं आपके साथ इस मसाला आलू की रेसिपी, जो बिल्कुल हलवाई के जैसा टेस्ट देगा आपको घर में ही, और लोग खाएंगे और आपकी तारीफ़ करेंगे। थोड़े ही सामान में बहुत ही लज्जतदार टेस्टी मसालेदार आलू आपको मिल जाएगा घर में ही खाने के लिए। मार्केट की कोई ज़रूरत नहीं लाने की, वैसे भी कोविड की वजह से मार्केट का सामान खाना कम ही करें। तो देखिए, ये हमारी जो मिर्ची हम आपको दिखा रहे हैं, ये मसाला मिर्ची है। इसको हमने, ये जो है हमारे खलबट्टे साहब, इसमें थोड़ा मसल लिया है, तो ये तैयार हो गया है। और पहले ये इस तरह के थे बेचारे, कुचने के बाद इस तरह हो गए हैं, तो इनको हम डालेंगे। ये हमारा मसाला मिर्ची है और ये हमारा सिर्फ धनिया पेस्ट है, इसको हम डालेंगे थोड़ा ग्रेवी बढ़ाने के लिए। और ये हमारा तड़के के लिए ज़ीरा है और थोड़ा अमचूर। बाकी सामान तो हमारा इसमें पूरा कंप्लीट है, हमें अमचूर भी डालने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन थोड़ा खटास बढ़ाने के लिए हम डालेंगे। और ये हमारे उबले हुए आलू, ये हमने बहुत ज़्यादा नहीं उबाला है, आप देख सकते हैं बिल्कुल खड़े खड़े से हैं, तो क्योंकि ये मसाले में भी थोड़े पकेंगे, और अगर पूरे पक जाएंगे पहले से तो बाद में ये हलवा हो जाएगा, और हम इसे सरसों के तेल में बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं मसाला आलू बनाना फटाफट से। इसमें हम डालेंगे ऑयल, कम से कम 60 ग्राम ऑयल हमारा जाएगा। तेल हमने सरसों का कर लिया है, और इसमें हमने 60 ml सरसों का तेल गरम कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे अपना जीरे का तड़का। इसके चट क्या है, तो अब इसमें हम अपने उबले हुए आलू डालेंगे तलने के लिए। इसको अच्छे से तल लेंगे आलू को, हमको बस 2-3 मिनट तल लेना है, इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे, फिर इसमें हम मसाले डालेंगे। देखिए आलू हमारा तल गया है, इसमें हमें धनिया पेस्ट डालना है। इसको भी अच्छे से 2 मिनट तक भून लेना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तो फ्रेंड्स, हमारा मसाला आलू बनके तैयार है गर्मा गर्म पूरी के साथ, और इसके साथ हमने अपने हाथों की बनाई हुई बर्फ़ी भी रखी है, और इमली की चटनी। इमली की चटनी की रेसिपी तो हमने आपको बताई ही है, आप ज़रूर इसको चेक करिएगा। देखिए कितने अच्छे बने हुए हैं, और अब इसे हम टेस्ट करके बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। बिस्मिल्लाह, ये इतने सॉफ्ट से मेरी पूरी बने हुए हैं, ये मैं खा के बताती हूँ। बहुत ही अच्छे लजीज है, थोड़ा खट्टा थोड़ा तीखा टेस्ट है, बहुत ही अच्छे और यमी बने हैं। कहेंगे तो जो मैंने पूरियाँ बनाई इसकी रेसिपी भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। बाय, अल्लाह हाफिज़।